तो क्या हाल है भाई? लोगों के मस्त सब। देखो आज तुम्हारा भाई बताने वाला है कि तुम्हारे भाई ने ये KTM RC200 ना लेके ये क्यों ली। इसके तुम्हारा भाई पांच रीजन देने वाला है जो मतलब मेरी नजर में मेरे को लगा कि हाँ मेरे को ये वाली बाइक परफेक्ट रहेगी। पहली बात तो यार ये देखो, कोई बाइक ना खराब नहीं होती है। ऐसा नहीं है मैंने ये नहीं ली तो ये बाइक खराब है। बाइक ये भी बहुत अच्छी है, बाइक ये भी बहुत अच्छी है, बाइक स्प्लेंडर भी बहुत अच्छी है। बट हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग होता है सारा का सारा, कि हमारी नीड क्या है और हमारा बजट क्या है। तो यार मेरी नीड्स और मेरे बजट में तो ये आई, इसलिए मैंने ये ली। ऐसा नहीं है ये खराब बाइक है। तो यार देखो ये बाइक मेरे को परफेक्ट क्यों थी ये मैं आपको बताता हूँ आज। मतलब मेरी नज़र में ना कुछ पाँच पॉइंट्स हैं जो मैं सोचा था आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ होते हैं एट द टाइम ऑफ बाइंग, क्योंकि प्राइस ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब ये 2 लाख रुपए की पड़ती है अपने को और ये 1.5 लाख की पड़ती है दिल्ली में। तो उस टाइम पे कन्फ्यूज़न माइंड में आई जाती है, जहाँ बंदा 1.5 खर्च कर सकता है वहाँ 2 भी खर्च कर सकता है वो। तो उस टाइम पे आता है कन्फ्यूज़न कि कौन सी हमारे लिए ठीक है। तो मेरी नज़र में जो पाँच पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहला पॉइंट तो है जो इसका मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है ना, अभी तक जिस चीज़ का मैं फ़ैन हूँ, वो है इसकी माइलेज। इसकी माइलेज मेरे को एकदम सुपर है। इसकी माइलेज तो मतलब यार 48 मिल जाती है आराम से अपने को, मज़ा यार लगा रहता है 48। और इसके साथ 300 पर मेरे को लगता है कोई KTM RC देती है। जितने भी ऑनर्स मेरे दोस्त वोस्त हैं वो यही बताते हैं कि 30 मैक्स टू मैक्स 30 देती है, वरना 25 26। तो यार डेली पॉकेट फ्रेंडली है माइलेज वाइज। और सेकंड पॉइंट जो मेरे को लगा था वो था 50,000। मैंने उस टाइम पे अपने 50,000 भी बचा लिए। देखिए मेरे 50,000 भी बचे हैं, क्योंकि मेरे को माइलेज भी मिल गया, 50,000 रुपये भी बच गए। लुक्स लुक्स में ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादा अच्छी है ये ज़्यादा अच्छी है, दोनों के लुक्स अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। लुक्स दोनों ही अपनी जगह बहुत अच्छी है, परफेक्ट है दोनों के लुक्स। 50,000 ही बच गए मेरे। और तीसरा मेरा जो पॉइंट था जो मैंने सोचा वो था, एक तो हॉट प्रोडक्ट था उस टाइम पे, मैंने ली थी अप्रैल में ये बाइक, तो हॉट प्रोडक्ट कुछ नया सा था। KTM RC को आते आते अपना अप्रॉक्स 4 या 5 साल हो गए हैं, तो कुछ नज़र नया था मार्केट में, तो इसलिए भी ली। तीसरा पॉइंट ये हो गया अपना। और चौथा था वो था इसका कंसोल, जो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में दिखा चुका हूँ कि जैसे मैं बाइक ऑन करता हूँ हाय विनीत लिखा आ जाता है, तो मज़ा ही अलग आ जाता है उसके साथ ना, उस पॉइंट के साथ। तो मतलब कंसोल इसका भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कंसोल में इन्फॉर्मेशन नहीं आती है, इन्फॉर्मेशन इसके कंसोल में बहुत अच्छी है, सारी चीज़ें बता देता है, ये भी माइलेज एवरेज स्पीड वगैरह सब ये भी बताती है। बट उसमें जो एक्स्ट्रा है वो है नाम वाला। तो यार देखो पांचवा पॉइंट ये है जो मेरी नज़र में था, मेरी नज़र में ये था पावर वाइज डेफिनेटली आगे है ये। और मेरे को ना सिटी राइड्स करनी होती हैं, इतनी ज़्यादा पावर नहीं चाहिए मेरे को। तो मैंने पांचवा पॉइंट ये भी था मेरा, पावर मेरे को ज़्यादा टॉर्क नहीं चाहिए था, ज़्यादा BHP नहीं चाहिए था, सिटी राइड्स के लिए चाहिए थी नॉर्मल 80 90 100 चलाने के लिए। तो लाइट वेट भी है थोड़ी, तो ये इसलिए मैंने ये वाली ली है। पावर वाइज तो यार वैल्यू फॉर मनी चीज़ ये भी है, ऐसा नहीं है वैल्यू फॉर मनी नहीं है ये। अगर आपको लेनी है ये, अपनी पहले नीड्स देखो कि तुम्हारी नीड्स क्या हैं, दूसरा देखो बजट क्या है। कोई भी बाइक लेने से पहले ये देखो, लोगों को स्प्लेंडर भी सूट करती है क्योंकि उनकी नीड होती है कि उनको ज़्यादा चलानी है, कम खर्चा हो और 50 60 हज़ार बजट होता है, उसके अकॉर्डिंग देखो आप अपनी नीड्स चेक करो पहले। तुम्हारी नीड क्या लिस्ट बनाओ, बजट बनाओ, उसके अकॉर्डिंग जो बाइक आपके नीड सबसे ज़्यादा पूरी करे वही बाइक आपके लिए परफेक्ट है और वही आपके लिए अच्छी है बस। तो यार देखो मैं अपने पांच पॉइंट्स ना अपने शॉर्ट में एक बार एंड में रिपीट कर देता हूँ लास्ट में। पहला पॉइंट अपना है माइलेज, सेकंड पॉइंट है 50,000 कम चीपर देन RC, थर्ड पॉइंट है पावर, लेस पावर मेरे को चाहिए थी इसलिए मैंने ये ले लिया, चौथा है कंसोल, पाँचवा है प्रोडक्ट, पाँचवा अपना हॉट प्रोडक्ट। मार्केट नया है, अभी भी नया है, 1 साल भी नहीं हुआ है, तो ले सकते हो आप यार। अगर आपको ये पांच पॉइंट्स लगते हैं अच्छे कि हाँ तुम्हारी नीड्स के अकॉर्डिंग फिट हो रहे हैं, तो बिल्कुल गो फॉर इट, अदरवाइज ये तो है ही। तो इस वीडियो में यार मैंने यही शेयर करना था अपना कि मैंने R15 V3 क्यों ली, RC क्यों नहीं ली। ये वीडियो में मैंने आपके साथ ये चीज़ शेयर करी। और अगर आपको लगा हो कि तुम्हारे भाई के कंटेंट में दम है, लगती है वीडियो बढ़िया, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, और लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी ये वीडियो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।